गोवर्धन स्थित मंडी समिति में सब्जी विक्रेता और आढ़तियों द्वारा की जा रही हड़ताल व्यापार मंडल और भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गई। पिछले कई दिनों से किसानों के लिए डंप की जमीन को लेकर सब्जी विक्रेताओं द्वारा हड़ताल की जा रही थी। गोवर्धन स्थित मंडी समिति में थोक सब्जी विक्रेताओं और आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रखी थी, जो आज समाप्त हो गई। मंडी आढ़तियों के अनुसार मंडी समिति में किसानों के बचे हुए अनाज को रखने के लिए डंप की जगह को किसानों के लिए सुरक्षित रखा गया था, जबकि उसी डंप के बाहर किसी बाहरी सब्जी विक्रेता द्वारा फर्म का बोर्ड लगा दिया गया। स्थानीय आढ़तियों का आरोप है, गैरकानूनी तरीके से बाहरी आढ़तियों को डंप की जगह आवंटित कर दी गई, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों के इस विरोध के चलते आज भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सुंदर उपाध्याय और व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष गणेश पहलवान और तहसील महामंत्री गौरव कौशिक मंडी समिति में जाकर व्यापारियों से मिले और उनकी समस्या सुनकर जल्द ही उसका निराकरण कराने का आश्वासन दिया। वहीं मौके पर पहुंचे मंडी इंस्पेक्टर के समक्ष व्यापारी नेताओं ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद मंडी इंस्पेक्टर द्वारा पूरे मामले से मंडी समिति के सचिव को अवगत कराया, जिसके बाद मंडी सचिव के दिशा निर्देश के बाद उक्त सब्जी व्यवसायी के बोर्ड को वहां से हटा दिया गया। मंडी समिति के व्यवसायियों ने इसके लिए मंडी समिति के इंस्पेक्टर और मंडी समिति सचिव सहित व्यापार मंडल के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। सर, आज यहाँ मंडी समिति में व्यवसायियों ने जो हड़ताल कर रखी थी, क्या निष्कर्ष उसका निकला है? निष्कर्ष निकला था, व्यापारी कह रहे थे, दूसरे व्यापारी ने यहाँ पर बोर्ड टांग दिए थे, उन्होंने बोर्डों को हटवा दिए, उन बोर्डों को मैंने हटवा दिया। तो जैसा कि इन्होंने सचिव साहब को भी इस मामले से अवगत कराया था, तो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया ये मामला? हाँ, ये बात है, उन्होंने कह दिया, उन बोर्डों को हटवा दिया। कल से मंडी खुलेगी? कल से मंडी खुलेगी। सर, ये मंडी समिति में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस बात को लेकर चल रहा है और इसका क्या निष्कर्ष आज निकला है? निष्कर्ष ये निकला है कि आकर के हमने भी देखा है, मेरे पास भी फोन आए थे, मैं भी आया हूँ, तो वास्तव में ये जो जगह है ये किसानों के लिए है और वो यहाँ निश्चित ही गैरकानूनी तरीके से बैठ रहा है। अभी हमारी इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई थी, उनका भी ये कहना है कि हाँ वो गैरकानूनी है। तो हमने कहा कि गैरकानूनी है तो आप फिर इसको यहाँ से हटाइए, या इसके पास यदि लाइसेंस है तो आप इसको दुकान प्रोवाइड कराइए। आप फ्री की जगह यहाँ कैसे दे सकते हैं जो किसानों के लिए अलाउड है? ऐसे नहीं दिया। कुछ लोगों का आरोप है कि इसमें ऊपर से दबाव दिया जा रहा है। अब देखिए, दबाव की बात इस प्रकार का हमारे सामने तो नहीं आई है, लेकिन अधिकारी इस बात को अगर कह रहा है, अगर किसी अधिकारी का, उच्च अधिकारी का उस पर दबाव है, अपने विभाग के किसी उच्च अधिकारी का, तो बात करनी चाहिए। वो ऐसे गैर कानूनी तरीके से काम थोड़ी हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या कोई सहमति बन पाई है? नहीं, सहमति अभी उनसे बात हुई है, इंस्पेक्टर साहब से, सचिव साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी इस विषय में बात करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये सत्य है कि ये गैरकानूनी तरीके से यहाँ बैठ रहा है और यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं इंस्पेक्टर ने इस बात को स्वीकार किया है, हमने ये फोन पर बात की थी। और स्थानीय जो व्यापारी हैं यहाँ, जो मंडी के जो यहाँ दुकानदार हैं, उनका शोषण नहीं होने दिया जाएगा और नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जी, आज जो यहाँ पे सब्जी मंडी में व्यवसायियों ने हड़ताल कर रखी थी, आज उसका क्या निष्कर्ष निकला है? मेरी संज्ञान में मामला आज सुबह आया और मैंने SDM साहब से भी बात की, SDM साहब ने भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात की, उन्होंने सचिव साहब से भी बात की, और उन्होंने बात करके प्रचार थी यहाँ मंडी इंस्पेक्टर इंजीनियर शर्मा को भेजा है, और उन्होंने मंडी सचिव का मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हमारी बात मानी, और जो यहाँ अनैतिक बोर्ड लगाया गया था, गलत व्यापारी, उस बोर्डों को मंडी इंस्पेक्टर द्वारा हटवाया जा रहा है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा SDM गोवर्धन, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, मंडी सचिव साहब का, और मंडी इंस्पेक्टर और जो कर्मचारी हैं, जो चार दिन से मंडी बंद पड़ी थी, आज इतना कस्बा परेशान था, जो 10 रुपये किलो की मिर्च 100 रुपये किलो मिल रही है, किसानों का माल सड़ रहा है, 3 दिन बाद जागा है प्रशासन, जबकि ये 3 दिन पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। मैं तो इन सभी को धन्यवाद दूंगा, मंडी इंस्पेक्टर, मंडी सचिव को, SDM गोवर्धन को, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, कि चलो लेट आए दुरुस्त आए और हमारी मांग को माना।